अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करा रहे हैं जो गीत, गजल, छंद, मुक्तक, माहिया, लघु कथा, बाल गीत आदि लिखती हैं। आप हैं सुषमा भंडारी जी। सुषमा भंडारी जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार ओम प्रकाश जी। सुषमा जी, आप पिछले 35 वर्षों से साहित्य लेखन कर रही हैं। आपको ये कब एहसास हुआ कि आपके भीतर एक लेखक या एक साहित्यकार मौजूद है? ओम प्रकाश जी, मैं उस टाइम जब पढ़ती थी छात्र जीवन में अपने जी। तो उस टाइम जब हमारे समाज में आप जानते ही हैं ऐसा था कि बड़ों के सामने बोलना भी गुनाह माना जाता था, तो उस टाइम जब भी जो खुशी या गम या कुछ भी उदासी वो मैं कागज़ों पे उतारती थी जी। वो मुझे अब समझ में आया कि शायद वो लेखन था। क्या बात है। हाँ, तो ये जब आपने छात्र जीवन में लेखन शुरू किया तो उस समय किस तरह से लिखा? तुकांत में लिखा, गीत लिखे, छंद लिखे, क्या लिखा था? हाँ, वो मैं जब लिखती थी तुकांत में थी। अच्छा। मतलब वो फिर मुझे कई बार ऐसा खुशी में मतलब तुकांत लिखती थी तो वो मुझे मजा आने लगा लिखने में। अच्छा अच्छा। और अच्छा। कई बार जो दुख में भी लिखती थी लेकिन वो रहता तुकांत में ही था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये कविता है, ये नव कविता है, ये गीत है, लेकिन उस टाइम मैंने क्या लिखा बस लिख दिया। तो सुषमा जी, आपने छात्र जीवन में जो भी लिखा जी, आपका प्रिय जो रचना रही तुकांत रही या कुछ भी रहा, हम चाहेंगे कि आप ट्रू मीडिया के दर्शकों को कोई अपनी प्रिय छात्र जीवन की कोई कविता सुनाएं। उस टाइम जैसे मैं लिख देती थी कि ये एक बार मैंने लिखा जी, कि ये मेरी संवेदनाएं, ये मेरी वेदनाएं जी, शब्दों के रूप में उतर रही हैं धीरे 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 कागज पर, और ये मेरी लेखनी मेरा साथ दे रही है जहाँ मैं इस कमरे में मैं अकेली और मेरी कलम और ये डायरी है। कल न जाने मेरी ये हलचल क्या रूप ले, मैं नहीं जानती सच, मैं नहीं जानती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुषमा जी, आपने छात्र जीवन में इतना सुंदर लिखा, वाकई आपने बहुत काबिले तारीफ है। सुषमा जी, आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक, दोहा, बाल गीत, लघु कथाएं आदि लिखती हैं जी। आपकी मूल विधा क्या है लेखन की? मूल विधा आप कहेंगे मेरी गीत है, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं साथ साथ गुनगुनाती हूँ, तो आप गीत उसको कह सकते हैं जी। क्योंकि अगर मैं कुछ भी लिखने बैठूँ तो वो गद्य में भी लिखूंगी तो वो मुझे लगेगा गीत है। क्या बात। तो इसलिए मैं अपने आप को समझूंगी कि मेरी मूल विधा गीत है। क्या बात है। तो आप अपनी कोई प्रिय रचना हमारे दर्शकों को सुनाकर आनंदित करें। मैं दोहे सुना देती हूँ जी। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। बेटी हूँ तो मैं बेटी से संबंधित ही एक दोहा सुनाती हूँ जी। दह जाऊं तो आग हूं, बह जाऊं तो नीर। दह जाऊं तो आग हूं, बह जाऊं तो नीर। डह जाऊं तो रेत हूं, सह जाऊं तो पीर। डह जाऊं तो रेत हूँ, सह जाऊं तो पीर। बेटी हूँ तो क्या हुआ मेरा अपना गीत, मुझ बिन थम ही जाएगा सृष्टि का संगीत। क्या कहने, क्या कहने, क्या मुझ कहने? बिन थम ही जाएगा सृष्टि का संगीत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस तरह से मैं दोहे और गीत लिखती हूँ। दोहे और गीत का जो सुना मैंने तो लेखन के साथ साथ आपका कंठ भी बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। सुषमा जी, अब तक आपके साहित्य के क्षेत्र में कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? ओम प्रकाश जी, मैंने 2002 में गोष्ठियों में जाना शुरू किया अलका सिन्हा जी के माध्यम से जी। सर्वप्रथम उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि गोष्ठियाँ या विचार गोष्ठी, कवि गोष्ठी होती है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ साहित्य जगत में। और तब से मैंने लिखना शुरू किया और अब तक मेरे 7 बाल संग्रह है और लगभग 7 मेरी पुस्तकें आ गई, जिसमें से एक हिंदी अकादमी से आई है। अरे वाह। और बाल साहित्य में एक NBT से पुस्तक। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई जी, आपको जी। शुक्रिया सुषमा जी, आप जैसा कि पिछले 35 वर्षों से लेखन कर रही हैं, साहित्य क्षेत्र में सेवा दे रही हैं, तो आप साहित्य के क्षेत्र में किन्हें अपना आदर्श मानती हैं?
देखिए ओम प्रकाश जी, 2002 से मुझे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार भी मिले, जिसमें आदरणीय स्वर्ण राही जी थे, जो हमारे बीच अब नहीं है, राजगोपाल जी थे जी। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन जब मैंने श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को सुना जी। तो उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व मुझे सबसे अलग हटके नज़र आया, तो मैं उन्हीं को अपना आदर्श मानती हूँ। जबकि मैंने अपने बाल संग्रह उनसे जरूर, उनको उनसे मैंने सलाह मशवरा ली। 2005 में मेरे इकट्ठे बाल संग्रह आए, बाल स्वरूप राही जी और के माध्यम से उनके हाथों विमोचन हुआ। लेकिन मतलब साहित्य जगत में मेरे आदर्श लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, उनको मैं कहीं एक अलग खड़ा हुआ पाती हूँ। वाह वाह, बहुत भाग्यशाली हैं आप जी। जी शुक्रिया। देश के वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें आप आदर्श मानते हैं। हाँ, मैंने उन पर एमफिल भी किया। अरे वाह वाह। हाँ, मैं इतना मतलब उनसे प्रभावित हुई कि डॉक्टर हरीश अरोड़ा मेरे गाइड रहे और मैंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे एमफिल किया, उनकी पुस्तक खुशबू तो बचा ली जाए। वाह, और उससे संबंधित अभी मेरे 4 संग्रह प्रकाशन में हैं। क्या बात है जी, शुक्रिया। सुषमा जी, साहित्य के क्षेत्र में आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? भविष्य, ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, सवाल किया। मैं अपने हिंदी जगत, साहित्य जगत के अलावा मैं अपने बच्चों से भी जुड़ी हुई हूँ प्राथमिक स्तर पर जी। 1986 से मैं बच्चों के साथ जुड़ी हूँ और बाल संग्रह भी मेरे ज़्यादा आने का कारण यही है, क्योंकि उन बच्चों को समझाने के लिए हमें गीतों का एक सहारा लेना पड़ता है। तो और बच्चे जो आज के हैं हमारे, हिंदी से कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं, तो उस हिंदी को बचाने के लिए, उनको समझाने के लिए एक मैं नयापन लेकर बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना चाहती हूँ, जिससे वो हमारे स्वर व्यंजन गीत कहानी इनको ना भूलें। शिशु गीत हैं, लोरियां हैं, जो हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जी, वो वापस आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुषमा जी, जी। आप वो कहते हैं कि कोई भी किसी चीज़ को अगर शिखर तक ले जाना है तो उस बच्चे की या उस व्यवस्था की नींव के अंदर वो डालें तो बच्चे हमेशा उसको याद रखते हैं। आप हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुषमा कि आप साहित्य के क्षेत्र में नामांकुरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं तो खुद ही नवांकुर हूँ, आपसे भी कुछ सीखूंगी। हाँ, लेकिन जो मैंने अभी देखा है विचार गोष्ठियों में, कवि गोष्ठियों में जी, तो जो हमारे आज के लेखक, मैं लेखक ही कहूँगी, वो नवांकुर नहीं है, मैं हूँ नवांकुर। अरे तो वो एकदम तुरंत आज 2 लाइन लिखी और कल छपना चाहते हैं, तो उस चीज़ से वो थोड़ा बचें, लिखें, मेहनत करें और कुछ पढ़ें जी। बिना पढ़े तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपके अंदर कुछ इतना सृजनात्मकता है कि नयापन लाएं, तो उससे बहुत कुछ आगे भविष्य हमारा उज्जवल हो सकता है साहित्य के क्षेत्र में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा आकांक्षाएं पालना ठीक बात नहीं है, थोड़ा हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुषमा जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश जी, ट्रू मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ट्रू मीडिया का भविष्य भी उज्ज्वल हो, इसी कामना के साथ जी। 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। जी शुक्रिया जी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।